हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंशुमन की शादी रिंकी नाम की लड़की से होती है, जो बहुत ही संस्कारी और सुंदर थी। कांची अपनी बहू का बहुत प्यार से गृह प्रवेश करवाती है। कुछ देर बाद कांची दोनों को बैठाकर अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाते हुए बोलती है, बहू और अंशु, तुम दोनों को ये रस्म करनी है। इस परात में मैं एक अंगूठी डालूंगी और उसे घुमा दूंगी। तुम दोनों में से जो इस अंगूठी को जल्दी ढूंढेगा, वही उस पर हमेशा के लिए राज करेगा। तो देखते हैं तुम दोनों में से कौन एक दूसरे पर राज करेगा। शुरू करो। जी माँ जी। ये बोलकर उसकी सास एक परात में अंगूठी डालकर घुमा देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने एक एक हाथ से अंगूठी को ढूंढने लगते हैं। रिंकी को अंगूठी मिल जाती है। इसी बीच अंशु उसका हाथ पकड़ लेता है। शर्म के मारे लाल होकर रिंकी उस रिंग को छोड़ देती है और अंशु उस रिंग को निकालकर जोर से खुश होकर बोलता है, माँ माँ, मुझे अंगूठी मिल गई, अब रिंकी पर तो मैं ही राज करूँगा। अच्छा जी, आपने चीटिंग की है। अच्छा, जरा बताना कैसे चीटिंग करी है मैंने। वो आपने मेरा, हाँ हाँ बोलो क्या। मैंने कुछ नहीं। अरे अब तो मेरा अंशु ही बहू पर राज करेगा। तुम दोनों को कुछ खाना है या आराम करोगे? नहीं माँ जी, आराम ही करेंगे। अच्छा बेटा, सब समझती हूँ मैं, चलो जाओ आराम कर लो। माँ आप भी ना। ये बोलकर अंशु रिंकी को अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ वो उसके करीब आकर प्यार से बोलता है, रिंकी आज जब तुम लहंगा पहनकर मेरी तरफ धीरे धीरे आ रही थी ना, तब मेरे दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे तेज हो रही थी। सच कहूँ तो आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, इतनी कि एक बार भी मेरी नजर तुम पर से नहीं हट रही। ऐसे नजरें नीचे करके क्यों खड़ी हो? यहाँ मुझे, मेरी आँखों में देखो, मेरी आँखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है। मुझे शर्म आती है। इस शर्म को छोड़ दो, तुम्हारा पति ही तो हूँ मैं। ये बोलकर अंशु उसे अपनी तरफ खींचता है और लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिसके बाद दोनों उस रात को खूबसूरत बनाते हैं। ऐसे ही अगले दिन दोनों जागते हैं। रिंकी उठकर जा ही रही होती है कि अंशु उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है, जान मुझे ऐसे अकेला करके कहाँ जा रही हो, यहीं रहो ना मेरे पास। अंशु जी देखिए ना, 6 बज गए हैं, मैं लेट हो गई हूँ, जाने दीजिए मुझे। माँ जी क्या सोचेंगी कि उनकी नई बहू कल से कमरे से बाहर ही नहीं निकली है, लेट हो जाएंगे, आप भी उठ जाइए ना। तो सोचने दो उन्हें, माँ कोई बच्ची थोड़ी है, वो जानती ही होंगी, और वैसे भी शादी की थकान ज्यादा होती है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं कहेंगी वो। अंशु जी आप भी ना। अंशु उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता ही है कि कांची आवाज देती है और डरकर वो दूर हो जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, देखी मैंने कहा था ना कि माँ जी मुझे बुला लेंगी, अब वो मुझे आवाजें दे रही है, मैं रेडी हो जाऊँ फिर आप आ जाना। अरे जान साथ में चलते हैं ना, टाइम बचेगा। हट पागल। ये बोलकर रिंकी तो नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद तैयार होकर वो अपनी सास के पास जल्दी से आती है और बोलती है, जी माँ जी आपने बुलाया, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई आपके पास आने में। कोई बात नहीं बहू, मैं समझती हूँ, शादी की थकान ज्यादा थी तुम्हें, इतने टाइम से शादी की तैयारी जो चल रही थी घर में, अब तो ठीक है ना? हाँ जी माँ जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। बताइए अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊँ? बहू तेरा जो मन करे वो बना ले, मुझे पता है तू जो भी बनाएगी वो बहुत ही अच्छा होगा। जी माँ जी मैं आपके लिए खीर बना देती हूँ, आपका पसंद भी है ना? ठीक है बहू। ये बोलकर रिंकी रसोई में खीर बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद वो ब्रेकफास्ट और खीर बना कर लाती है, जिसके बाद सब लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। रिंकी के हाथ की बनी खीर खाकर उसकी सास उसे बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया, मैं पहले से ही जानती थी, ये ले तेरा शगुन। शुक्रिया माँ जी। सच में रिंकी ये बहुत टेस्टी है। अंशु उसकी तारीफ कर पाता कि तभी स्वाति नाम की लड़की का उसे कॉल आता है और वो फोन को साइड में ले जाकर बोलता है, अरे स्वाति तुमने अभी क्यों कॉल करी? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, गुस्सा मत करो, बताओ कहाँ आना है? माइलस्टोन कैफे आकर अभी के अभी मिलो, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। नो नो मैं आता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया है ऑफिस के लिए। ठीक है बेटा ध्यान से जाना। अरे अंशु जी आपका टिफिन? कोई बात नहीं आज बाहर से खा लूंगा। ये बोलकर अंशु वहाँ से अपनी कार में बैठकर उस कैफे में जाता है, जहाँ स्वाति मुंह बनाकर बैठी होती है,
सॉरी जान, सॉरी सॉरी, मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना? रहने दो तुम तो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए किसी और लड़की से शादी करने की? मैं 2 दिन के लिए बैंकॉक क्या गई, तुम तो मुझे भूल गए, मेरे प्यार को ही भूल गए। यार मैं क्या करता, माँ मुझे बहुत प्रेशर कर रही थी कि मैं शादी नहीं कर रहा, बहुत बहाने बनाता रहता था। रिश्ता तो माँ ने पहले ही देख लिया था, उसी से माँ ने शादी करवा दी, माँ ने मुझे कसम दी थी। अच्छा ये तो भूलो ही मत तुम कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, सब जानती हूँ। तुमने कहीं अपनी बीवी के साथ फर्स्ट नाइट तो नहीं मना ली ना? नहीं नहीं बेबी, ये क्या बात कर रही हो तुम, तुम्हारे अलावा किसी को सोच भी नहीं सकता, छूना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे अपने साथ कहीं बाहर लेकर चलो, आई वॉन्ट माई हनीमून विद यू। रियली बेबी, ओ आई एम सो एक्साइटेड जान, तुम बताओ कब चलना है, मैं टिकट्स बुक करता हूँ। ओके सो हम मुंबई चलेंगे, वो भी नेक्स्ट वीक। घर वालों को बोल दूंगा कि मुझे किसी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है। ठीक है जान, आई एम सो एक्साइटेड, हम बहुत मजे करेंगे वहाँ जाकर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, टेस्टी टेस्टी चीजें खाएंगे और सेल्फीज भी लेंगे। ओके अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, गुस्सा तो नहीं होना तुम? नहीं हूँ, आई लव यू टू जान। अंशु ये बोलकर ऑफिस चला जाता है और शाम को वो ऑफिस से घर आता है और अपनी टाई को ढीली करके बोलता है, रिंकी मैं आ गया, जरा एक गिलास पानी लेकर आओ। जी लीजिए पानी, काफी थक गए होंगे ना? हाँ काम बहुत ज्यादा था आज। अच्छा माँ को बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है आप दोनों से। अंशु की बात सुनकर रिंकी अपनी सास को बुलाती है, जिसके बाद अंशु बोलता है, माँ मुझे काम के सिलसिले में 4-5 दिन के लिए बाहर मुंबई जाना पड़ेगा। बेटा अभी तो तेरी शादी हुई है, बहू को छोड़कर जाएगा, उसे टाइम दे। माँ काम है, जाना तो पड़ेगा। हाँ तो ऐसा कर कि तू बहू को भी मुंबई घुमा कर लिया अपने साथ, और वो कहते हैं ना शादी के बाद तो सब जाते हैं ना हनीमून पर। हाँ तू बहू को लेकर वहीं चला जा हनीमून पर। अरे माँ वहाँ मैं काम देखूंगा या रिंकी को संभालूंगा, ऐसे तो मैं किसी पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। अरे बेटा तू रूम में छोड़ दियो बहू को, वो तेरा इंतजार कर लेगी थोड़ी देर, बाद में तो फिर तू आ ही जाएगा काम करके, मना मत कर, बहू का भी तो मन होगा ना तेरे साथ जाने का, क्यों बहू? हाँ माँ जी पर उनका काम भी तो है। तो बस अंशु तू बहू को ले जाएगा, समझा? जाना कब है वैसे? कल जाना है माँ। ठीक है बेटा, बहू तू जाकर पैकिंग कर ले। जी माँ जी। ओफो ये रिंकी को भी ले जाना पड़ेगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा दोनों को, स्वाति तो बहुत नाराज हो जाएगी। दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और खुशी से रिंकी उसे हग कर लेती है, लेकिन मूड खराब होने की वजह से वो रूम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद रिंकी सैड होकर बोलती है, ये एकदम से अंशु जी को क्या हो गया? यार स्वाति फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम, मुझे तुमसे बात करनी है। उठा लिया। अरे स्वाति जान कहाँ थी तुम, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो ना क्या हुआ? एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, वो कल तुम मेरे साथ एयरपोर्ट तक नहीं बल्कि मुंबई तक साथ नहीं जा पाओगी, हमें अलग अलग आना पड़ेगा। क्यों? वो यार माँ ने मेरे साथ जबरदस्ती उस रिंकी को ले जाने के लिए कह दिया है, पर तुम फिक्र मत करो, हनीमून तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें वहाँ बस जाना अकेले होगा। क्या है अंशु, मेरा इतना मन है तुम्हारे साथ रहने का, लेकिन इसमें भी तुम्हारी पत्नी बीच में आ गई। अच्छा ठीक है, जाएंगे कैसे, कुछ सोचा है? उसकी टेंशन तुम मत लो, आई विल हैंडल दिस। ये बोलकर अंशु कॉल कट कर देता है। अगले दिन दोनों कांची का आशीर्वाद लेकर निकल जाते हैं और एयरपोर्ट से कुछ देर बाद मुंबई पहुंच जाते हैं। अंशु रिंकी को लेकर उसी होटल में ठहरता है जहां उसने पहले से ही स्वाति के लिए हनीमून स्वीट बुक किया था। उसी फ्लाइट में स्वाति भी आई थी और उसी होटल में आकर वो अपने कमरे में रुकती है और रिंकी को एक अलग रूम में अंशु रखता है और उससे बहाना बनाते हुए बोलता है, रिंकी तुम यहीं रहो, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है तो 2-4 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा, तुम ख्याल रखना। ठीक है मैं आपका वेट कर रही हूँ, बाय। अंशु ये बोलकर निकल जाता है और उसके रूम से नेक्स्ट 6th रूम में ही अंशु और स्वाति का हनीमून स्वीट होता है, जहाँ वो अंदर जाकर फुल मूड में होता है और स्वाति उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर बोलती है, फाइनली तुम आ ही गए, पता है कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। आई नो जान बट अब आ गया ना सो डोंट वरी। ये बोलकर अंशु उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है, जिसके बाद वो उसे किस कर लेता है, उसे अपनी बाहों में उठाकर वो बेड पर ले जाता है और वो रूम की सारी कैंडल्स को बुझा देता है
और फिर दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। और कुछ घंटों बाद अंशु स्वाति को बोलता है, लो मना लिया ना तुमने अपना हनीमून मेरे साथ, अब तो खुश? हाँ जान, बहुत खुश हूँ। अंशु कुछ बोलता कि तभी उसका फोन बजता है और नेटवर्क ना आने की वजह से वो कमरे से बाहर ऐसे ही चला जाता है और रूम के बाहर खड़े होकर बातें करने लगता है। वो फोन कान पर लगाकर हेलो हेलो कर ही रहा था कि तभी उसी समय रिंकी उसी वक्त टहलने के लिए बाहर आती है, जो कि उसकी आवाज सुनकर और उसे शॉर्ट्स में देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। और जब वो अंदर रूम में जाता है तो वो उसके पीछे पीछे जाती है और रूम में स्वाति को देखकर वो उसे तेज की चाटा मारती है और बोलती है, ओह तो यहाँ तुम मेरी सौतन के साथ हनीमून मनाने आए थे, ना कि मेरे साथ। अंशु तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। रिंकी दोनों को बहुत कड़वा कड़वा सुनाती है और साथ ही दोनों को फिर से थप्पड़ लगाती है, क्योंकि उसकी शादी 3 ही दिन में टूट जो गई थी, साथ ही उसका विश्वास भी। अपना रिश्ता तोड़कर रिंकी हमेशा के लिए उसे छोड़कर वहाँ से अपना सामान लेकर चली जाती है। वर्षा शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में बैठकर रो रही होती है। उसका पति बंटी उसे पूरे मॉल में ढूंढ रहा होता है, लेकिन वर्षा उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो मॉल के मैनेजर के पास जाता है और उससे बोलता है, देखिए सर, मेरी वाइफ मून, मेरा मतलब वर्षा, बहुत देर से मिसिंग है, कहीं मिली नहीं रही, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उन्हें ढूंढने में? जी जरूर, आप ये बताइए कि आखिरी बार आपने उन्हें कहाँ देखा था? जी मैं और वो सेकंड फ्लोर पर थे, हम एयररिंग के सेक्शन में उनके लिए एयररिंग्स ही देख रहे थे। अच्छा, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। जी प्लीज थोड़ा जल्दी बताइए। मॉल का मैनेजर सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे कैमरास को चेक करता है तो उसे वर्षा बेसमेंट में बैठी हुई नजर आती है। ये बात वो बंटी को बताता है, देखिए ये रही आपकी वाइफ। जी कहाँ पर है ये जगह? ये हमारा बेसमेंट है, वहीं पर बैठी हुई है आपकी वाइफ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। इसके बाद बंटी जल्दी से भागता हुआ वर्षा के पास जाकर उससे बोलता है, आई एम सो सॉरी मून। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि गलती मैंने की है, तो माफ़ी भी तो मैं ही मांगूंगा ना। मैंने कब कहा कि तुम्हारी गलती है? कहा नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम ऊपर से यहाँ नीचे किस लिए आई हो। अच्छा तो बताओ मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारी सही से तारीफ नहीं की थी ना, इसलिए। नहीं जी, ये बात बिल्कुल नहीं है। तो क्या बात है? याद करो ना खुद ही। मैंने ऐसा क्या कहा था जो ये इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी? अरे खुद ही बता दो ना। नहीं आया ना याद, और आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। अरे अरे ऐसा ना कहो मून, तुम्हें तो पता है ना, जब तुम मुझसे बात नहीं करती तो मेरा क्या हाल हो जाता है। अरे जाओ ना, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, और वैसे भी मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में ना बिल्कुल नहीं आने वाली। यार आज तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रही है, ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रही है, अब क्या करूं? अरे सुनो तो सही जाने मन, इतने जल्दी कहाँ जा रही हो? बोला ना नहीं सुनना मुझे कुछ भी। ऐसा कहकर वर्षा गुस्से में मॉल से बाहर चली जाती है और बंटी बेचारा उसके पीछे पीछे उसे मनाने की कोशिश करता रहता है। तो वही वर्षा जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है। बंटी जल्दी से भागकर उसके सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठकर साथ ही अपने कान पकड़कर उससे बोलता है, प्लीज माफ कर दो मुझे मून, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा, अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम्हारी कसम अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे। पक्का? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस अभी के लिए कह रही हो और बाद में अपनी बात से पलट जाओ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ तुम्हें एक चीज तो जरूर माननी होगी। हाँ हाँ बोलो क्या? वो मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद वर्षा बंटी को दोबारा शॉपिंग मॉल में लेकर जाती है। वो दोनों उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। तो बंटी उससे बोलता है, मून तुम मुझे फिर से यहाँ लेकर आ गई? हाँ, क्योंकि जो काम हम यहाँ करने आए थे वो तो किया ही नहीं। अच्छा ऐसा क्या काम है? इयररिंग्स की शॉपिंग। आप बताओ कौन सा इयररिंग्स खरीदूं और कौन सा ना? फिर से फंस गया, मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों, आप मुझे प्यार नहीं करते? करता हूँ,
लेकिन वर्षा बंटी को अपने साथ खींचते हुए ले जाती है और इयररिंग्स दिखाना शुरू करती है। वो कई तरह के इयररिंग्स बंटी को दिखाती है, जैसे कि झुमका, क्लस्टर, स्टड्स, हूप्स, डैंगलर्स, शैलेंडियर्स, ड्रॉप, एयर क्लिप्स, फेदर्स, ह्यूजी, टैसल्स एटसेट्रा। बंटी उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो किसे पसंद करे और किसे नहीं। तभी वर्षा उससे पूछती है, सुनिए बताइए ना, कौन सी अच्छी लग रही है मुझ पर? कोई सी भी ले लो यार, तुम पर तो सब अच्छी लगती हैं। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, पर फिर भी आप अपनी पसंद भी तो बताइए ना एक बार। मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, इतना काफी नहीं है? तभी तो मैं कह रही हूँ कि आपकी पसंद बहुत अलग होती है। चलिए जल्दी से बताइए मुझे। यार मैं कह रहा था कि ये कुछ खास नहीं है, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। है ना, मुझे भी काफी देर से यही लग रहा है। चलो कुछ और देखते हैं। हाँ चलो। वर्षा बंटी को दूसरी जगह पर लेकर चली जाती है। दूसरी जगह पर डायमंड्स की इयररिंग्स का सेक्शन होता है। उन्हें देखकर बंटी बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स हैं। सच में ये तो बहुत खूबसूरत है। चलो अब आपको इनमें से सेलेक्ट करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है चलो। वर्षा एक एक करके बंटी को इयररिंग्स दिखाना शुरू करती है। बंटी को वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो वर्षा से कहता है, बेबी ये वाली बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। अच्छा तो यही वाली खरीद लेती हूँ। बंटी वहाँ खड़े हुए आदमी से पूछता है, अच्छा कितने की है ये? सर सिर्फ 45,000 की है ये। क्या 45,000? अरे उसे भी तुम सिर्फ कह रहे हो? सर ये वाली तो सबसे सस्ती है। भाई ऐसा क्या है इसमें जो इतनी महंगी है ये? सर डायमंड की बनी हुई है ना, इसलिए इतनी महंगी है। ओ अच्छा ये बात है। अब इतना क्या पूछताछ कर रहे हो CID बनकर? अरे आपने ही तो खुद पसंद किए हैं ये। यार फिर भी बहुत महंगी है ये तो। सीधा सीधा बताओ, दिलवाने हैं या नहीं दिलवाने हैं? हाँ जान दिलवाने हैं, पर अरे पर वर गए फाड़ में, तुम चुपचाप पैसे निकालो। बंटी को मजबूरन इयररिंग्स खरीदने पड़ते हैं। उसको खरीदने के बाद वर्षा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, तो वो बंटी से बोलती है, थैंक यू सो मच जान, तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये इयररिंग्स पसंद आए, अब घर चलो। ठीक है चलते हैं। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप खुश तो है ना? ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बस चुपचाप घर चलो। बंटी वर्षा को घर लेकर जाता है। घर पहुंचने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वर्षा उसे ऐसे देखकर बहुत परेशान होती है। वो उससे पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। अगली सुबह जब बंटी उठता है तो वर्षा उसके पास उसे नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। फिर वो उसे फोन भी करता है मगर उसका फोन भी नहीं लगता। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो पुलिस के पास जाने के बारे में सोचने लगता है। और जैसे ही वो घर से निकलता है, सामने से वर्षा आ रही होती है। तो ऐसे में वर्षा बंटी से पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं? मून तुम कहाँ थी? पता है मैं कितना परेशान हो रहा था। परेशान किस लिए हो रहे हो? मैं कोई घर छोड़कर थोड़ी ना चली गई थी। पर तुम गई कहाँ थी? और कहाँ, इयररिंग वापस करने गई थी। लेकिन क्यों, तुम्हें तो वो बहुत पसंद थे ना? थे पर अब नहीं है। क्यों नहीं है अब? क्योंकि उनकी वजह से आप मुझसे नाराज हो गए थे और मैं सबको सह सकती हूँ लेकिन आपकी नाराजगी नहीं। मैं ठीक हूँ मून, और मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? बस तुम चलो। बंटी वर्षा को वापस उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ उन्होंने वो इयररिंग्स खरीदे थे। बंटी उन्हें दोबारा खरीद कर लेता है और अपने हाथों से वर्षा को पहनाता है। और फिर वर्षा बंटी से कहती है, थैंक यू, अब लग रहा है कि आपने मुझे ये गिफ्ट की है, वो भी पूरे दिल से। मुझे माफ कर दो मून, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा। मैंने भी तो नहीं समझा था, मुझे भी माफ कर दीजिए। वर्षा और बंटी दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अब वर्षा भी सिर्फ सोच समझकर ही इयररिंग्स के ऊपर पैसे खर्च किया करती। साथ ही बंटी भी उसके लिए इयररिंग्स खरीद कर लाया करता था। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।